ये वीडियो काफी कमाल की होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी जो फुल फोटो होती है उसे आप व्हाट्सएप की प्रोफाइल पिक्चर या फिर डीपी कैसे सेट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एप्लीकेशन के हेल्प से। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने किसी भी फुल फोटो को, जैसे कि ये फोटो है जो कि फुल स्क्रीन में है, तो इसे हम व्हाट्सएप की डीपी कैसे लगा सकते हैं। तो अभी मैं व्हाट्सएप पे चल के आपको दिखा देता हूं कि अगर हम लोग इसे जो है वो डीपी अगर लगाते हैं तो ये डीपी जो है वो पूरी फोटो नहीं लग पाएगी। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए ये फोटो अगर मैं लगाता हूँ तो ये मंदिर के साथ पूरी फोटो हमारी फुल नहीं लग पाएगी। तो अब इस फोटो को हम लोग डीपी फुल कैसे लगा सकते हैं, वो भी बिना किसी एप्लीकेशन के, तो उसके लिए आपको सबसे पहले गैलरी में जाना है। गैलरी में जाने के बाद वो फोटो आपको सेलेक्ट कर लेनी है जो फोटो आप लगाना चाहते हो, और इस फोटो को सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली इस फोटो को ऐसे ही रोटेट कर लेना है। अब इस फोटो को आप रोटेट कर लीजिए इस तरीके से। अगर आपका इस तरीके से रोटेट नहीं होता है तो आपके फ़ोन में एडिटर होगा ही, आप वहाँ से जाके एडिटर से इस फोटो को जो है वो रोटेट कर सकते हैं ऐसे, या फिर इस तरीके का रोटेट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसे हम लोग ऐसे कर देते हैं। उसके बाद हम लोगों को करना क्या है, हम लोग को कर देना है इसे सेव, ठीक है। अब सेव करने के बाद हम लोगों को इसका स्क्रीनशॉट एक ले लेना है। अब स्क्रीनशॉट जैसे ही आप ले लेते हैं यहाँ पे, तो स्क्रीनशॉट मेरे स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, इसको हम लोग थोड़ा नीचे करके दोबारा स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट हम लोगों ने ले लिया है। अब हम लोगों को सिंपली जाना है व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप में जाने के बाद हम लोगों को फोटो पे क्लिक करना है, गैलरी में जाके उस फोटो को जिसको हमने रोटेट किया है उसे सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर देखिए ये फोटो जो है, दूसरी फोटो मैंने सेलेक्ट कर ली थी, तो गैलरी में हमको फिर से जाना है। जो फोटो हमने स्क्रीनशॉट किया है यहाँ पे, ये फोटो है, इसको हम लोग फिर से रोटेट कर लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे हमने रोटेट कर लिया। उसके बाद हम लोगों को जिस तरीके से भी इस फोटो को लगाना है उसको हम लोग ऐसे ही करके लगा देते हैं यहाँ पे सेंटर में, और उसके बाद इसे हम लोग कर देते हैं डन। और जैसे ही आप डन करेंगे यहाँ पे देखिए आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो पूरी इस तरीके की लग चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके की आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर पूरी फुल फ़ोटो अपनी डीपी लगा सकते हैं व्हाट्सएप पर। और अगर आपकी कोई नॉर्मल फ़ोटो है, जैसे कि इस तरीके की कोई फ़ोटो है, तो वो तो नॉर्मल ऐसे ही लग जाएगी जिसमें कि आपको कोई भी क्रॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वो फुल स्क्रीन साइज़ फ़ोटो है तो उसे लगाने के लिए आपको जो ट्रिक मैंने बताई है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, और आप उसके बाद अपनी जो फुल डीपी है उसे लगा सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो, और उम्मीद करता हूँ आपको आज की ट्रिक पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।